नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अब काफी धीमी हो गई है। देश में भले ही कोविड के सक्रिय मामले कम हो गए हों, लेकिन कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में पोस्ट कोविड कई परेशानियां अब भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। पोस्ट कोविड परेशानियों के रूप में लोगों को गंभीर थकान, कमजोरी, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में तकलीफ की समस्या का अनुभव किया जा रहा है। तो क्या ये सामान्य है? इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पोस्ट कोविड इस तरह की समस्याएं सामान्य है, लेकिन लोगों को इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने वाले उपायों को अपनाना चाहिए। कोविड-19 से ठीक होने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। जिन लोगों को कोविड के बाद लंबे वक्त तक शरीर में दर्द और कमजोरी का अनुभव हो रहा है, उनके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम, विशेषकर सांस लेने और छोड़ने वाले व्यायामों को जरूर करें। लोगों को रोजाना 10 से 15 मिनट तक मुंह बंद करके लंबी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। खाने में प्रोटीन और विटामिन की मात्रा बढ़ा लें, इससे शरीर को तेजी से रिकवर होने में मदद मिलती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। अगर आप उचित पोषक तत्वों से युक्त आहार ले रहे हैं, तो आपको विटामिन्स की गोलियां और सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। पोषक तत्वों की भरपाई भोजन से करने की कोशिश करें, ना कि दवाओं से। वहीं कोरोना से ठीक होने का वक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को 1 से 2 महीने तक का वक्त लगता है। कोविड से ठीक होने के बाद भी सभी उपायों का प्रयोग करते रहने के साथ डॉक्टर से निरंतर संपर्क में रहें। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा या उपाय को प्रयोग में ना लाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।